हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरी वन। आ जाइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 9 और हम यहाँ पर मिल रहे हैं, अपनी क्लास को कर रहे हैं। ये है हमारी आज की तीसरी क्लास। मैंने आपको बोला था कि शायद ना भी हो पाए, लेकिन हो गई टाइम से। आज मैं यहाँ पर आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात ये कहनी है कि आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे आपने सीरीज को किया तो देखा ना कि कुछ थोड़ा ज़्यादा टफ आए, कुछ बीच में ऐसे मॉडरेट टाइप का है, तो कुछ अलग क्वेश्चंस भी आज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा ये मैं सोचिएगा कि नहीं आ रहा है, सीखिए, समझिए, देखिए, पार्टिसिपेट करिए क्वेश्चंस को, तो समझ में आने लगेगा अपने आप कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ लेवल के भी देखने का प्रयास करेंगे कि शायद अगर बन जाता है तो आप उसको कर पाएँ, ठीक है? इस वक्त आप जुड़े शालिनी क्लास, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप में से पहली बार यहाँ पर कोई भी भैया या दीदी, छोटे भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को देखें पूरा, तब लाइक करें, तब कमेंट करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि हमने एक नया चैनल क्रिएट किया, उससे बहुत मुझे लगा था कि 2 से 3 दिन में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करके उसमें लाइव क्लासेस करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद जो है वो निगेटिव वे में जा रही है क्योंकि काफ़ी लोगों ने नहीं किया है। बहुत आप लोग इससे ज़्यादा आते हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन आप लोग की भी अगर मान लीजिए थर्ड वालों का नहीं सपोर्ट मिल रहा है तो आपका भी पूरा सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है, जो कि आपके लिए ही अगर ऐसा कोई रिस्पांस रहता है तो फ्रेंड्स मुझे फिर उस चीज़ को जितनी मैंने प्लानिंग की है ना उसमें सब पे पानी फिर जाएगा और फिर मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी। फिर इसी वजह से चीज़ें चल रही हैं एज़ यूजुअल, हो पाएंगी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, क्योंकि सीरीज अभी इतनी लंबी बची हुई है कि आपका अप्रैल का महीना भी ओवर हो गया और सीरीज़ नहीं हो पाई, जिस वजह से 2 नंबर वाले प्रश्न तो हमने छुए ही नहीं अभी तक। तो काफ़ी कुछ है इसलिए मैंने कहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का अभी तक पूरा सपोर्ट नहीं, आप फुली सपोर्ट जब तक सारे लोग मिलकर नहीं कहेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ध्यान से रखिए। इसलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो इस पर दिया था। कल मैंने मैथ की क्लास ली थी, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लेंगे। आज मैथ की क्लास नहीं हो पाई फ्रेंड्स, कल आराम से मैथ की क्लास करेंगे और यहाँ पर, ठीक है? जिसमें मैं आपको इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल लगवाऊंगी, मैंने उसको ऑलरेडी लिख लिया है, बट ये कि मैं क्लास बना नहीं पाई तो नहीं कर पाई आज, कल मैं आपको उसको अपडेट में करके आराम से करवा दूंगी, ठीक है? देखो जो सीधी बात है यार, बोल दिया, सिंपल तरीके से समझो। आज ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना कर रखे थे उस क्लास में करवाने के लिए, लेकिन वो चीज़ अब नहीं हो पाई तो मैंने कहा कि लाओ थोड़ा जब बना है, चीज़ें हुई हैं, जो ही है वही करवा देते हैं ताकि क्लास मेंटेन होनी चाहिए कि हाँ वो चीज़ें रेगुलरिटी के साथ होनी चाहिए। थोड़ा आंधी वांधी आई है बट इतना इशू नहीं है, लाइट वाइट बराबर है, सारी चीज़ें हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो आओ फिर चलते हैं। एक्सक्यूजेस देने की आदत नहीं, अच्छे से करो, समझो, चीज़ें हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी। आइए देखते हैं फिर क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है? इसके लिए परेशान ना, लिखो नहीं कोई, लेकिन समझो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, ग्रंथि को ग्लैंड कहते हैं, कौन सी है? लार, थायराइड, यकृत और अमाशय, बताइए क्या सही होगा? सभी को करना है, ईच एंड एवरी वन आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आएंगे आज के, तो मैं कई सारे प्रश्न करवाने वाली हूँ, आज नहीं धीरे धीरे करके करवाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा था कि ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मेरी, ये मेरे क्वेश्चंस है, ये मेरी नोट है, ये कोई किसी पब्लिकेशन की नहीं, क्योंकि ये क्लैरिटी के साथ रहती है, ना दिखने की झंझट, ना कुछ ना कुछ, ये वर्चुअली नोट, मेरी बनाई हुई नोट्स है। तो मैं ये सारे क्वेश्चन मुझे करवाने हैं आपको, ये मैं उस चैनल पर करवाना चाहती थी, और इस पर रेगुलरिटी के साथ आपके जो सीरीज़ वाइज हैं, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। आई थिंक आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, बेसिक क्वेश्चन है जो हमने बहुत बार ही पढ़ा हुआ, लेकिन हमें शायद उस वक्त याद नहीं रहता। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन बताया उन सबका सही, या यकृत जिन्होंने चूज़ किया उनका सबका ऑलमोस्ट डन, ठीक है? ध्यान रखिएगा उन सभी का, यहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर, इस बात को आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपके क्लियर आउट हो जाएंगी। तो पहले का सी ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया उनका बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मनुष्य में मादा जननन अंग से किस हार्मोन का सेक्रेशन होता है, स्राव होता है? एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, रिलैक्सिन का, यह सभी कथन सत्य हैं, बताइए क्या होगा? दूसरे क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो मेल रिप्रोडक्ट मतलब मेल जो अंग होते हैं उनसे कौन से हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, रिलैक्सिन का, ये सारे के सारे का क्या होता है? आंसर्स करिए क्या होगा बताइए। चलिए तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर, वो है रिलैक्सिंग, ठीक है? रिलैक्सिंग। आगे बढ़ते हैं तो दूसरे में भी सी की हैट्रिक हो गई। आगे चलो आते हैं नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी सेरिब्लम और इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा?
ये क्लास आपकी मैंने 9:15 पे शेड्यूल करने का पूरा सोचा था कि इतने टाइम से हो जाएगी, तो फटाफट बताइए ताकि आपको क्लास मैंने कल भी नहीं हो पाई थी। तो मेरा रहता है कि 10 मिनट भी क्लास दो लेकिन क्लास ज़रूर दे दो, ठीक है। चलिए बताइए तीसरे का क्या हो, वैसे भी हम पढ़ रहे हैं डेली इतने से कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, ठीक है। तो तीसरे का क्या होगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों जो इतनी एक्टिविटीज़ होती है, करना है नहीं करना है क्या करना है, इनका जो कंट्रोलेशन है जो नियंत्रण है वो किसके थ्रू होता है, कैसे आप चीज़ों को सिचुएशन के हिसाब से भांप पाते हो, क्या करते हो, क्या निर्णय लेते हो, कैसे परफॉर्म करते हो एक्टिविटीज़ को, तो इसमें रूमेन लीडिंग रोल को कौन प्ले करता है, तो वो है सेरिब्रम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आई होप सो आपको बहुत सारे लोग को नहीं आएगा, लेकिन कोई नहीं, सीखो समझो, सीरीज़ में भी बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, शरीर का तापक्रम यानी कि टेम्परेचर कहाँ कंट्रोल होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है खुद का, वो कहाँ कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिब्रम में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी में, बताइए आंसर करिए। फोर्थ का क्या होगा, यही कुछ नया पढ़िए, नया पढ़ेंगे तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि आप बार बार वही चीज़ों को लेकर रहे ना, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें आता है लेकिन जब करने बैठे नहीं आता, तो थोड़ा सा अलग पढ़िए, अभी वक्त है, हम आराम से कर लेंगे। तो बताइए क्या होगा फोर्थ में, कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, फोर्थ का, कम ऑन डू इट फास्ट। तो फोर्थ का बने वाली वाला ऑप्शन भी वो है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन जिन भी बच्चों ने बताया उनका करेक्ट है। आई होप सो क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बना के दिए थे ना, उसमें अमीबा के बारे में था, जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, देखिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में भी न्यू चैनल लिंक करके लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, आप भी बहुत लाभ पाएंगे सारे बच्चों के साथ और आपका भी कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, नाम है उसका क्या है, क्लासेस बाई शालिनी, एक दो चैनल है, एक शालिनी क्लासेस, एक क्लासेस बाई शालिनी। चलिए बताइए फिफ्थ में क्या होगा, कूट पाथ ऑप्शन वन, कोशिका मुंह ऑप्शन दो, सीलिया ऑप्शन तीन और गुदा द्वार ऑप्शन चार। आंसर मी, आंसर 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 फिफ्थ का, कम ऑन फ्रेंड्स डू इट फास्ट, 30 सेकेंड, टिक टिक वन टिक टू, अंताक्षरी में करते हैं ना हम लोग। चलिए बताइए फिफ्थ में क्या होगा, एक ही सही है, वो भी फिफ्थ में कौन सा है, कूट पाथ, ठीक है। फिफ्थ में ए ऑप्शन जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके ए ऑप्शन हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रेप्सिन, आंसर बताइए कौन सा होगा। हमारे जो सलाइवा हैं एंजाइम्स, हमारे जो लार हैं, सलाइवा होता है लार कहते हैं ना उसको, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए सिक्स का क्या होगा, सिक्स का क्या होगा, सिक्स का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है और परफेक्ट है जिसपे आप चीज़ को कर पाएंगे, सिक्स का क्या होगा, तो सिक्स का आपको पता चाहिए सी ऑप्शन सही होगा, टाइलिन, ठीक है। सिक्स में सी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया उनका है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वो क्या कहलाता है, मतलब सांस को लेना, टेक, ब्रीथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, तो श्वसन कहलाता है, स्वच्छोवास कहलाता है, प्रश्वास कहलाता है, निश्वासन कहलाता है। आंसर बताइए कि सेवन्थ का राइट आंसर क्या होगा, सांस को लेना और सांस को बाहर निकालना, ये जो एक्टिविटी होती ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये क्या कहलाती है, आंसर करिए। आज क्वेश्चंस सर के ऊपर से जा रहे होंगे, क्यों मैं सही कह रही हूँ, बहुत सारे लोग कर भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए बताइए सेवन्थ में क्या होगा, तो राइट ऑप्शन बी है, ठीक है, स्वच्छोवास। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं एट्थ, देखिए क्या है, पढ़ने का प्रयास करिए क्या दिया गया एट्थ में, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, ऊर्जा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेल्स होती है वो किसका मेनली यूज़ करती है, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, फैटी एसिड का, सुक्रोज का। ऑप्शंस और क्वेश्चंस दोनों दमदार है, आंसर बताइए क्या होगा। ऊर्जा प्रदान करने के लिए, एनर्जी को देने के लिए सेल्स किसका यूज़ करती हैं, कम ऑन फास्ट, एट्थ में क्या होगा, आंसर बताइए एट्थ में क्या होगा। तो राइट आंसर आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है, परफेक्ट है, ऑसम है, वो है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ध्यान रखिएगा ग्लूकोज का सूत्र कई बार पूछा और एग्जामिनर आते हैं वो पूछ लेते हैं, इसलिए मैं उसको बार बार पूछती हूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए और फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास को लाइक अभी तक नहीं किया है। नाइन्थ का क्या होगा, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, ऐसा कौन सा एक अभिक्रिया है, एक रिएक्शन कह सकते हैं, जिसकी वजह से पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से सेल्स में पहुंचता है, किण्वन, विसरण, दहन और प्रकाश संश्लेषण। नाइन्थ में क्वेश्चन अच्छा है, बायो के सेक्शन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करिए।
आंसर बताइए, नाइन्थ में क्या होगा, आंसर भी बताइए और फटाफट लाइक करिए। चलिए चलिए, कम ऑन, फास्ट डू इट फास्ट। क्वेश्चन अच्छा है ना, अलग है एकदम। बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए, नाइन्थ में क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन सही, वो है विसरण, ठीक है, विसरण। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका है सही। अब मैं इसके बारे में बहुत एक्सपीरियंस ले नहीं करना चाहती हूँ ना, कि क्योंकि श्योरिटी नहीं कि आए भी, क्योंकि देखो कुछ कुछ चीज़ें हाई लेवल की जब बन जाती हैं तो अगर मान लीजिए आ जाता है तो कर लेंगे। नेक्स्ट, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो टेंथ में क्या होगा बताइए, 10 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं, 10 मिनट की क्लास भी हो चुकी है। चलिए बताइए, टाइम और क्वेश्चन साथ साथ हैं, कम ऑन फास्ट। टेंथ बताइए, तो टेंथ में राइट ऑप्शन है विघटन, ठीक है, तोड़ तोड़ के, डिफ्यूज़ होके, टूट टूट के, खंडों में। नेक्स्ट, इलेवेंथ देखिए, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। खाद्य पदार्थ जितने भी एडिबल सब्सटेंस होते हैं उनका पौधों में, प्लांट में जो स्थानांतरण का मुख्य रूप से होता है। आंसर बताइए, इलेवेंथ। आंसर करिए फटाफट लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलो बता दो क्या होगा, चलो 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 फटाफट, इलेवेंथ में क्या होगा। गलत सही कुछ भी बताओ, लेकिन बताओ, सुक्रोज होगा, सी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया उनका सही है, उनका करेक्ट है और उनका परफेक्ट है। आई होप सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आप पढ़िए, ट्वेल्थ क्वेश्चन पढ़िए। ट्वेल्थ में क्या कह रहा है, ब्लड प्रेशर से पूछा गया क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, एक हेल्दी पर्सन का रक्तचाप कितना है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, 90/60, दूसरा ऑप्शन दिया है 120/80, और 200, तीसरा है 200/130, और चौथा यहाँ पर आपको क्या दिया, 140/60। अब आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, क्या ये तो पता होना चाहिए ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी पढ़ा भी होगा, बहुत सारे एग्जाम में भी देखने को हमें मिलता है, तो हम गलत तो नहीं कर सकते हैं ना ऐसे प्रश्नों को। ट्वेल्थ में क्या होगा, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, नहीं पता तो आज देख लीजिए, 120/80 mg, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है वो क्या है, पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर और एरेकनाइड। आंसर बताइए, 13। मनुष्य के मस्तिष्क की जो आउटर कवरिंग एक लेयर, एक झिल्ली है, वो क्या होती है, बता सकते हैं 13 का। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो सीखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती इसमें, कोई वैसी बात नहीं है। अभी आंसर बताइए, प्रयास करिए, पढ़ा होगा आप लोगों ने, टेंथ में सारी चीज़ें दी गई ऑलरेडी, सब मेंशन है। तो 13 का आपका सी ऑप्शन, ड्यूरामीटर, जिन्होंने भी किसी ने भी अगर बताया तो उसका करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ होता है, पहला ऑप्शन सेरिब्रम में, दूसरा हाइपोथैलेमस में, तीसरा सेरिब्रम में, चौथा स्पाइनल कॉर्ड में। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, तो 14th का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट। ये तो वैसे आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान भी बहुत है और चतुर भी बहुत है, ठीक है। चलिए बताइए, अब ये खूबी अगर है और ये चीज़ नहीं पता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 14th में क्या होगा बता सकते हैं, मनुष्य में, ह्यूमन में जो बुद्धि और चतुराई का एक सेंटर होता है, हब होता है ना, वो होता है आपका सेरिब्रम, ठीक है। 14th में सी जिन्होंने भी चूज़ किया उनका करेक्ट है, परफेक्ट है, बेस्ट है। आई होप सो यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते इसी के साथ, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है कौन, ब्लड में जो ग्लूकोज का एक लेवल होता है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो पहला ऑप्शन है सोमैटोस्टैटिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण और इंसुलिन के कारण। परफेक्ट, फाइन, फंटास्टिक क्वेश्चन, आंसर बताइए। अगर आप सभी ने, किसी ने शार्क टैंक इस बार जो आया था शो देखा होगा तो ये एक बात वहाँ पर उठी हुई थी, अगर रिमेंबर होगा तो। चलिए बताइए 15th में क्या होगा, चलिए बताइए 15th में क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण रखता है कौन रखता है। 15th, कम ऑन, डू इट फास्ट, वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट, वो है इंसुलिन के कारण, ठीक है। 15th में डी जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। 15 प्रश्न मैंने करवा दिया, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। बताइए ऑक्सीजन O2 क्या है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। असली दवा तो यही है, लोग भले किसी को कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, बकवास बातें, नहीं नहीं ये मैं नहीं मानती, बकवास नहीं कहेंगे, पता नहीं मुझे नहीं मालूम। चलो टॉपिक ही छोड़ दो, अभी तो आप लोग ना घूम जाओगे कहाँ से कहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन है
ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। तो 16 में सी ऑप्शन, एंजाइम। नहीं पता तो जान लो ये एंजाइम है। ठीक है, आगे बढ़े। आई होप सो आज कुछ जानने को मिला होगा। नेक्स्ट देखिए, जैव प्रक्रम में के अंतर्गत कौन आता है? जैव बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसके अंतर्गत क्या आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। बायोलॉजिकल प्रोसेस आप जान रहे हैं, सब कुछ होता है, डेली करते हैं मनुष्य में और ह्यूमन बींग्स में, जानवरों में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है? पहला ऑप्शन पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो 17th का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर बताइए क्या होगा। 17 प्रश्न पे हैं और मिनट हो रहा है 15, तो हम मिनट के हिसाब से तो आगे ही चल रहे हैं, तो लाइक भी हमारा आगे होना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया है फटाफट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 17th का आपका डी ऑप्शन सही, सभी। पोषण भी करते हैं, लेते हैं, फीड करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, सुबह जाते हैं आराम से फ्रेश होते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सब कुछ होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 17 तक मैंने करवा दिया, आधा 18 पे। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 में पाया जाता है, CO2 का परसेंटेज क्या होता है? 78% होता है, 21%, 4%, 0.03%। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ भी सकता है, और ये पता है साइंस में भी आ सकता है और सोशल साइंस में भी आ सकता है। तो 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा? वायुमंडल सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो है 0.03%। ठीक है, 0.03%, क्लियर। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको करवाऊंगी 18 प्रश्न, कल इस मैंने 36 प्रश्न बनाए हैं, तो 18 दुना 36 होता है। आज मैं 18 करवाऊंगी, बाकी के 18 मैं आपको कल करवाऊंगी। पहले आप लोग ये बताइए कि इस तरह के क्वेश्चंस और करने हैं, तभी मैं करवाऊँ, क्योंकि लेवल थोड़ा सा हार्ड है, हो सकता है कि आपको मज़ा ना आए या आपको ना आए। नहीं आएगा दूसरा सोल्यूशन है, हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग पहले एक बार फीडबैक दीजिएगा कि इस तरह के प्रश्न और करने हैं, तो मैं इस तरह के कई सारे प्रश्न आपको करवाऊंगी, क्योंकि एग्जाम अभी नहीं हो रहा है तो हमारे पास वक्त है, तो थोड़ा हार्ड लेवल की चीज़ों को देखेंगे तो हमारे आगे सेमेस्टर में भी काम आएंगे। तो फ्रेंड्स ये रही क्लास, तो ये रही आज की आपकी सारी क्लासेस हो गई। इस तरह की आपकी नेक्स्ट क्लासेस कल होगी सेम टाइमिंग पे। तो आज का आपका दो काम है, एक तो सारे क्वेश्चंस को देखिए, जिन्होंने नहीं पता उसको पढ़िए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सभी से फुल सपोर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम होती बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।